एक माँ जिसके बच्चे के दिल में छेद था, वह अस्पताल में दाखिल था। उसका कुछ ही दिनों में ऑपरेशन किया जाने वाला था। जिस दिन वह अस्पताल में आए, उस दिन तो माँ अपने बच्चे के बगल में बैठकर पूरा दिन रोती रही। लेकिन 2 दिन के बाद वह बच्चे का हाथ पकड़कर आंखें बंद करके बैठी रहने लगी। डॉक्टर ने उस माँ को देखकर सोचा कि वह शायद बच्चे के दुख से डिप्रेशन में है। उसे देखने के लिए फिर मुझे बुलाया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो माँ की आंखें अभी भी बंद थी। उसने बच्चे का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था। जब मैं उसके नजदीक गया, फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे माता, क्या आप अपने बच्चे की जिंदगी के लिए अरदास कर रही हैं? उसने अपनी आंखें खोली और धैर्य पूर्वक कहा, आप जानते हैं, जब मैं पहले दिन यहां आई थी तो मैंने यही प्रार्थना की थी, लेकिन आज नहीं कर रही। मैंने पूछा, फिर आज कौन सी अरदास कर रही हैं? उन्होंने कहा, पहले ही दिन मुझे समझ में आ गई थी कि मेरी प्रार्थना स्वार्थ में लिपटी हुई प्रार्थना है, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बच्चे के दाएं और बाईं और भी बहुत से बच्चे लेटे हुए थे जिनका ऑपरेशन किया जाना था। तो पता नहीं कैसे मुझ में इतनी हिम्मत ही न रही कि मैं केवल अपने बच्चे के ठीक होने के लिए प्रार्थना करूं। तो उस दिन से मैं भगवान से कहने लगी, हे परमात्मा, यहाँ के डॉक्टरों के हाथ में शफा दें, ताकि वह जिस बच्चे का इलाज करें वह ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। लेकिन इस अरदास में भी मुझे स्वार्थ नजर आने लगा, इसलिए मैं अब कल से यह अरदास कर रही हूं कि हे परमात्मा, दुनिया के सभी डॉक्टरों के हाथ में शफा दें, ताकि किसी माँ का कोई भी बच्चा आपकी दया से वंचित ना रहे। उस माँ की ऐसी अरदास सुनकर मैं आनंद से भर गया और उनसे कहा, माँ, आपने आज मुझे भी सही अरदास करने की कला सिखाई है। इसके थोड़ी देर बाद वह फिर से आंखें बंद करके बैठ गए और मैंने गुरु साहब के उपदेश को गाना शुरू कर दिया। जिथे जाए बहिए भला कही है, सुरत शब्द लिखाई है। अर्थात अपना भला तो सब मांगते हैं, आओ जहां भी जाकर बैठे वहां सबका भला मांगे, सबको भला ही कहें और अपनी सुरत में शब्द को भाव प्रभु की सिफ्त सलाह की वाणी को सदैव परोना चाहिए। तो आइए संगत जी, हम भी सबका भला मांगे, जैसे कि हम रोज अरदास में कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।